आज हम लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ वी बाय टू टिकट्स टू मालेश्वरम एंड थ्री टिकट्स टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज ₹46। बट इफ वी बाय थ्री टिकट्स टू मालेश्वरम एंड फाइव टिकट्स टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज ₹74। फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मालेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें फेयर फाइंड आउट करने के लिए बस बैंगलोर से टू मालेश्वरम एंड बैंगलोर से टू यशवंतपुर, तो हमें इसके फेयर के बारे में पता नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें जो चीज पता नहीं होता हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ऐसे, लेट द बस फेयर फ्रॉम बैंगलोर टू मालेश्वरम। बस फेयर बोले कि मीन्स बैंगलोर से मालेश्वरम जाने का क्या कॉस्ट है, कितना प्राइस है, टिकट का प्राइस क्या है, वही इसको फेयर ही बोलते हैं। तो लेट द बस फेयर फ्रॉम बैंगलोर टू मालेश्वरम इज इक्वल टू रुपीज एक्स। हमें पता नहीं है कितना पैसा वो कंडक्टर लेगा बैंगलोर टू मालेश्वरम जाने के लिए। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी एज्यूम कर लेंगे, लेट द बस फेयर फ्रॉम बैंगलोर टू यशवंतपुर। ये भी हमें पता नहीं है कि कंडक्टर कितना लेगा यशवंतपुर जाने के लिए बैंगलोर बस स्टैंड से यशवंतपुर। बैंगलोर का कौन सा भी बस स्टैंड हो, वह एक ही बस स्टैंड से हम लोग दोनों का फेयर निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू रुपीज वाई। एक फेयर निकाल रहे हैं बैंगलोर टू मालेश्वरम और दूसरा हम लोग निकाल रहे हैं बैंगलोर टू यशवंतपुर। ये दोनों का फेयर हम लोग एक्स एंड वाई ले लिए क्योंकि हमें पता नहीं है। ये दोनों लेके हमें दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दो लीनियर इक्वेशन हमें फ्रेम करने के बाद हम लोग यहाँ पे आज कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करके फाइंड आउट करेंगे। पहले जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग पहले दूसरा मेथड हम लोग यूज कर रहे थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे थे और एक एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे थे, मगर यहाँ पे एक नया मेथड आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करके हम लोग यहाँ पे कैसे इसका आंसर निकालते हैं, बस फेयर कैसे निकालते हैं। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करने से पहले, तो चलिए पहले हम लोग इसका लीनियर इक्वेशन क्या होगा, पहले दो लीनियर इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन के तरफ हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ यू बाय टू टिकट्स टू मालेश्वरम एंड थ्री टिकट्स टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज ₹46। तो टू टिकट्स टू मालेश्वरम, मान लो दो जने के लिए, एक जने का प्राइस अगर ₹5 है तो दो जने के लिए कितना होगा, ₹10, 2 × 5। तो टू टिकट्स टू मालेश्वरम, हम लोग मालेश्वरम का प्राइस एक्स ले लिए, दैट मीन्स 2 × ₹x प्लस थ्री टिकट्स, 3 × ₹y, ₹y, क्योंकि यशवंतपुर को उसको तीन टिकट चाहिए और हम लोग एज्यूम किया है कि वो ₹y पर टिकट है, इज इक्वल टू कुल मिला के कितना आ रहा है ₹46, यही है इज इक्वल टू ₹46। अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ठीक तरह से लिख लूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, ये एक हो गया इज इक्वल टू 46। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे तो ये इक्वेशन को हम लोग को थोड़ा इस तरह रखना होगा, 2x प्लस 3y माइनस 46 कर लेंगे। यहाँ पे राइट साइड पे जो 46 है उसको मैं लेफ्ट साइड को मूव कर रहा हूँ, तो इसलिए माइनस 46 हो गया इज इक्वल टू 0। ये इसी तरह से ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। गाइस, ये जो लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों का हो गया, इसमें से हम लोगों को भी फाइंड आउट कर लेना है। यहीं पे ही हम लोग फाइंड आउट अभी कर लेते हैं क्या क्या है, A1, B1, C1, फिर मैं आपको बोलता हूँ क्या है A1, B1, C1। तो यहाँ पे जो 2 है ये हम लोगों का A1 है, यहाँ पर जो 3 है ये हम लोगों का B1 है, यहाँ पर जो माइनस 46 है ये हम लोगों का C1 है। तो इसी तरह से हम लोगों को यहाँ से क्या क्या मिला, A1 इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन 1 से A1 इज इक्वल टू, B1 इज इक्वल टू, C1 इज इक्वल टू, A1 क्या मिला 2 मिला, B1 हमें 3 मिला एंड C1 हमें माइनस 46 मिला। इतना सब कुछ मिल गया हमें लीनियर इक्वेशन 1 से। अभी चलिए हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 2 को भी फ्रेम कर लेते हैं।
एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर लिनियर इक्वेशन नंबर टू भी ठीक इसी तरह से लिनियर इक्वेशन नंबर टू अभी लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, बट इफ यू बाय 3 टिकट्स टू मालेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज ₹74। उसको 3 टिकट चाहिए मालेश्वरम के लिए, और किसी को अगर 3 टिकट चाहिए मालेश्वरम के लिए एंड 5 टिकट चाहिए यशवंतपुर के लिए, तो उसको कितना देना पड़ेगा, ₹74 देना पड़ेगा। 3 टिकट्स टू मालेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, तो वही कर लेते हैं। 3 टिकट्स, तो मैं यहां पर लिख लूंगा 3 टिकट्स टू मालेश्वरम, सो दैट मींस 3 इंटू रुपीज एक्स, क्योंकि एक एक टिकट मालेश्वरम के लिए हम लोग रुपीज एक्स बोल के एज्यूम किए थे, प्लस 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, 5 इंटू रुपीज वाई इज इक्वल टू वो कितना दे रहा है, ₹74 दे रहा है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऊपर जैसे हम लोग किए ठीक उसी तरह से कर लेंगे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74, और मैं इसको लिख सकता हूं 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और गाइस ऊपर जैसे हम लोग a1 b1 c1 फाइंड आउट किए हैं, यहां पर हम लोग a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लेंगे पहले, फिर मैं बोलूंगा इसको क्या करना है a1 b1 c1 को। तो यहां पर ये हम लोग ये लीनियर इक्वेशन 2 है, तो यहां पे हम लोग a2 b2 और ये जो -74 है ये c2 कर देंगे। तो लीनियर इक्वेशन 1 के लिए हम लोग a1 b1 c1 ले रहे थे, अब लीनियर इक्वेशन 2 के लिए हम लोग a2 b2 और c2 ले लेंगे। तो a2 हम लोग का क्या है, यहां पे 3 है, b2 हम लोग का क्या है 5 है, और c2 -74 है। तो गाइस इसी तरह से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया। अभी हम लोग क्यों निकाले a1 b1 c1 और a2 b2 c2, जैसे कि पहले से मैं बोला था इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए मैं a2 b2 c2 a1 b1 c1 निकाला हूं। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां पर देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग कैसे करेंगे, यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्ट्रक्चर, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। पहले अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, पहले यहां पर है B1, फिर B2, फिर बीच में C1 है, C1 कॉमन है दो क्रॉस के बीच, फिर आ गया A1, A1 भी कॉमन है ये दोनों के बीच, और फिर अगेन ये आ गया, फिर से आ गया B1 B2 आ गया। तो इसी तरह से हमें इसको याद रखना पड़ेगा, अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो ये हम लोगों का आराम से हो जाएगा। अभी हम लोगों को जो वैल्यूज मिला है a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसी को हम लोग यूटिलाइज करके इसी को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो गाइस हमें a1 b1 c1 हमें क्या क्या मिला था, अगर आप लोग देखेंगे तो हमें a1 b1 c1 मैं यहीं पे ही लिख लेता हूं। तो a1 b1 c1 a1 था 2, b1 था 3 और c1 था -46। तो मैं यहीं पर लिख लेता हूं a1 हमारा हम लोग का था 2 था, तो मैं a1 के जगह पे मैं 2 लिख लेता हूं, इसको मैं a1 के जगह पे 2 लिख लेता हूं, b1 के जगह पे मैं 3 लिख लेता हूं 3, ये हम लोग का b1 है और यहां पर भी एक b1 है, तो मैं यहां पे 3 लिख दिया, तो ये हो गया। अभी a2 क्या था, a2 हम लोगों का 3 था, a2 हम लोगों का 3 था, और गाइस c1 भी हम लोगों का था, a1 2 था, 2 हम लोग ले लिए, a1 2 हम लोग ले लिए, अभी b1 हम लोग 3 ले लिए, c1 हम लोगों का -46 था, इसको भी हम लोगों को लेना पड़ेगा, तो c1 -46 था। अभी a2 हम लोगों का 3 है, b2 5 है, और C2 हम लोगों का -74 है, तो ऐसे ऐसे हम लोगों को प्लेस कर देना है B2 5। तो जो क्रॉस में जो जो टेम्पलेट में जहां पर जो वैल्यू डालना है मैं वहीं पर वही वैल्यू डाल दिया। गाइज ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, ये इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट क्रॉस है ये हम लोगों का एक्स है, फर्स्ट क्रॉस एक्स है, सेकेंड क्रॉस जो है ये हम लोगों का वाई है, और थर्ड क्रॉस जो है ये हम लोग का कॉन्स्टेंट वैल्यू 1 है। तो इसी तरह से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा
फर्स्ट क्रॉस एक्स है, सेकेंड क्रॉस वाई है, थर्ड क्रॉस वन है, जो कि कंस्टेंट वैल्यू है। अभी ये जो क्रॉस में जो हम लोग फिगर्स डाले हैं, इसी को लेके हम लोग एक नया इक्वेशन स्ट्रक्चर करेंगे, एक नया इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट क्रॉस को देखिए, फर्स्ट क्रॉस में क्या क्या इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट क्रॉस में बी वन सी वन, बी टू सी टू, ये फर्स्ट क्रॉस में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्रॉस से क्या निकालेंगे? एक्स। और फर्स्ट क्रॉस में क्या है? एक्स है। तो जो जो फर्स्ट क्रॉस में है उसी को लेके हम लोग ऐसा एक फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, एक्स डिवाइडेड बाई बी वन सी टू, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, बी टू सी वन। गाइज मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आप लोग अगर यहां पर देखेंगे, अब फर्स्ट क्रॉस है एक्स का क्रॉस है, और फर्स्ट क्रॉस में जैसे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर जो बी वन है ये बी वन को सी टू से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बी वन को हम लोग सी टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये बी टू को, ये बी टू को हम लोग सी वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसी को लेकर मैं नीचे लिख लिया एक्स डिवाइडेड बाई बी वन माइनस बी वन सी टू, ये बी वन सी टू और बी टू सी वन। क्रॉस के हिसाब से जो भी है हम लोग एग्जैक्टली उसी तरह से हम लोग इसको फ्रेम कर दिए। अभी हम लोग बढ़ेंगे वाई क्रॉस के तरफ। वाई क्रॉस के तरफ को लिखने के लिए हम लोग बीच में इज इक्वल टू सिंबल दे देंगे, फिर वाई डिवाइडेड बाई, वाई डिवाइडेड बाई, वाई क्रॉस में क्या क्या है? सी वन ए टू है, सी वन, सी वन ए टू माइनस माइनस सी टू ए वन, सी टू ए वन, क्योंकि यहां पे वाई क्रॉस में सी वन सी टू है और ए वन ए टू है, तो ये दोनों इन्वॉल्व है। ये दोनों अगर देखेंगे, मैं दोनों को यूटिलाइज किया हूं मेरे इक्वेशन में, मेरा फॉर्मूला में, y डिवाइडेड बाय c1, ये c1, c1, a2, ये दोनों को लेके मैं यहां पे इक्वेशन फॉर्म कर लिया माइनस सी टू ए टू। फिर ठीक उसी तरह से हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यू को भी लेके एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। यही से हम लोग ये इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम लोग ये एक्स का स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो हम लोग कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे और ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये वन डिवाइडेड बाई ए वन और बी टू, सेकेंड क्रॉस में लास्ट क्रॉस जो कॉन्स्टेंट का क्रॉस है, यहाँ पे ए वन बी वन ए टू बी टू, ये चारों इन्वॉल्व है। तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए टू बी वन, बिल्कुल मैं ये इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ ये क्रॉस को देख के, ताकि हम लोग गलत ना करें। तो यहाँ पे ए वन ए टू है और यहाँ पे बी वन बी टू है। तो इसी तरह से मैं ये इक्वेशन फ्रेम कर लिया। अभी ये इक्वेशन में जो वैल्यू डालना है, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, उसी में ही हम लोग अभी डाल देंगे और हम लोगों का आंसर निकल आएगा। देखिए मैं अभी यहां पर लिखूंगा एक्स डिवाइडेड बाई एक और एक्स डिवाइडेड बाई और एक्स डिवाइडेड बाई, हम लोगों का बी वन क्या था? थ्री था। सी टू क्या था? तो मैं थ्री सी टू, सी टू था माइनस सेवेंटी फोर, और यहाँ पे माइनस माइनस बी टू क्या था हम लोगों का? बी टू था फाइव, बी टू था फाइव इंटू सी वन, सी वन हम लोगों का था माइनस फोर्टी सिक्स, ये एक हो गया। इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई, वाई डिवाइडेड बाई सी वन, सी वन हम लोगों का क्या है? माइनस फोर्टी सिक्स, माइनस फोर्टी सिक्स इंटू ए टू, ए टू का वैल्यू है थ्री, माइनस C2, C2 का वैल्यू हम लोगों का है माइनस सेवेंटी फोर इंटू ए टू, ए टू का वैल्यू हम लोगों का है क्या है? थ्री है। तो मैं यहां पर थ्री लिख लेता हूं। गाइस एक बार मैं चेक करूंगा, मुझे तो थोड़ा गलत दिख रहा है y का वैल्यू। तो y का इक्वेशन में जनरली क्या होना चाहिए था? y डिवाइडेड बाय c1 a2 सही है और c2 a1 होना चाहिए गाइस, ये क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरफ आप लोग नोटिस ध्यान देंगे तो ये सी टू ए वन है, तो ये सी टू ए वन है। तो इसीलिए मैं देख लिया, क्योंकि दो ए टू नहीं आना चाहिए था, इसीलिए मुझे समझ में आ गया कि मैं हम लोग कुछ कहीं पे गलत किए थे। तो इसी तरह से हमें मिल गया माइनस फोर्टी सिक्स इंटू थ्री, माइनस फोर्टी सिक्स इंटू थ्री, माइनस माइनस सेवेंटी फोर इंटू ए वन, ए वन का वैल्यू क्या है? टू है, ये थ्री नहीं है, ये ए वन का वैल्यू टू है। होप गाइज यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इज इक्वल टू, ये बहुत आसान है। आप लोग अगर ये ग्राफ को, आप लोग अगर ये एग्जाम्पल फॉर्मूला को देखेंगे
वही फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं फिगर्स। तो थर्ड क्या है, वन डिवाइडेड बाई ए वन इंटू बी टू। ए वन क्या है, टू है, बी टू क्या है, फाइव है, माइनस ए टू, ए टू हम लोगों का थ्री है, और बी वन, बी वन का वैल्यू थ्री है, बी वन का वैल्यू हम लोगों का थ्री है। तो अभी इस लोग इसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर्स निकालेंगे। और दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री इंटू माइनस 74, थ्री इंटू माइनस 74, ये माइनस 2 हो जाएगा। 3 4 12, 3 7 21, 8 22, सो माइनस ट्रिपल 2। और यहां पर मैं बीच में प्लस साइन डाल दूंगा, क्यों, यहां पर माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो 5 इंटू माइनस 46 इज माइनस 230, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो ये हो गया प्लस 230। गाइज हमें सिंबल साइन के ऊपर ध्यान देना है, अगर साइन हम लोग गलत कर लिए, प्लस और माइनस साइन अगर कहीं पे गलत कर दिए तो हम लोग का आंसर भी गलत हो जाएगा। तो पूरा ध्यान से हमें, जब हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं पूरा ध्यान से हमें करना है, नहीं तो हम लोग गलती कर देंगे। अभी यहाँ पर आ गया वाई डिवाइडेड बाई माइनस 46 इंटू थ्री, सो 46 इंटू थ्री, 3 6 18, 3 4 12, 13, 138 आ गया, सो माइनस 138। अगेन बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस 74 इंटू टू, तो 74 इंटू टू ये 148, माइनस 148 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस 148 हो गया, इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई 5 2 10, माइनस 9, तो 10 माइनस 9 हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है। गाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बोल के थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लोग इसको 5 मिनट में मैक्सिमम करके रख सकते हैं। एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 222 प्लस 230, तो ये हो गया 8 हो गया, 230 माइनस 222 इज 8, इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई माइनस 138 प्लस 148, वाई डिवाइडेड बाई 10 हो गया, और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। सो गाइज इसी तरह से हम लोग को क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है एक्स बाई 8 इज इक्वल टू वाई बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 1, और ये 1 बाई 1 कुछ भी नहीं है, 1 बाई 1 इज नथिंग बट ये 1 ही है। अभी ये यहाँ पर जो वैल्यू मिला एक्स बाई 8 इज इक्वल टू वाई बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 1, इसी को लेके हम लोग अभी दो वैल्यूज निकालेंगे। कैसे, आप देखिए मैं इसको सेग्रीगेट कर लेता हूँ अभी। कैसे, एक हो जाएगा एक्स बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 1, एंड दूसरा हो जाएगा हम लोग का, एंड दूसरा हो जाएगा वाई बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 1, क्योंकि हर एक का ये 1 बाई 1, ये 1 बाई 1 एक्स के साथ है और ये वाई बाई 10 इसके साथ भी है। तो इसी को लेके मैं दो यहाँ पे सेग्रीगेट कर लिया, एक कर लिया एक्स बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 1 एंड वाई बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 1। होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 8 एंड y इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10। मैं राइट साइड पे जो था उसको 1, जो ऊपर था नीचे था डिनोमिनेटर में उसको लेके y पे मल्टीप्लाई कर लिया, और डिनोमिनेटर पे भी जो 1 था वहां पे, न्यूमरेटर पे जो 10 था, मानो यहाँ पे जो 10 था उसको मैं लेके राइट साइड को मल्टीप्लाई कर लिया 1 के साथ। तो इसी तरह से हम लोग का ये इक्वेशन आ गया, x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 8 एंड y इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10। और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x इंटू एक्स 1 जा x इज इक्वल टू 1 8 जा 8 एंड y इज इक्वल टू 10। तो गाइज हमें मिल गया x एंड y का वैल्यू, हमें मिल गया है अभी x एंड y का वैल्यू हमें मिल गया है, अभी हम लोग का आंसर आ गया। तो इसी को लेके हम लोग अभी कंक्लूडिंग आंसर जस्ट नोट डाउन कर लेंगे, बस हो गया हम लोगों का। हम लोग पहले एज्यूम किए थे लेट दी फेयर फ्रॉम बैंगलोर टू मालेश्वरम बी रुपीज एक्स, तो क्वेश्चन पूछा था फेयर निकालने के लिए, दी फेयर फ्रॉम बैंगलोर टू मालेश्वरम, फ्रॉम बैंगलोर टू मालेश्वरम, मालेश्वरम हम लोग क्या लिए थे, इज इक्वल टू रुपीज एक्स बल के लिए थे, सो दैट इज इक्वल टू रुपीज 8 हमें मिल गया। एंड सेकेंडली हम लोग लिए थे द फेयर फ्रॉम
द फेयर फ्रॉम बेंगालोर फ्रॉम बेंगालोर टू यशवंतपुर कुछ इसी तरह से आप लोगों को खुद लिख देना चाहिए कंक्लूडिंग आंसर इज इक्वल टू रुपीज वाई, नहीं तो इसी तरह मैं जो लिख रहा हूं वही लिख सकते हैं इज इक्वल टू रुपीज 10। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान था। ये लिनियर इक्वेशन को, दो लिनियर इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करके हम लोग सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लिए। अगर गाइज यहाँ पे कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।